नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। इस वक्त की बड़ी खबर, जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के नौखनिया गांव में संदिग्ध अवस्था में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैली हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है, कल शाम 3 बजे घर से बाहर निकला लेकिन घर वापस नहीं आया, और जब रात में वापस नहीं आया तो लोग ढूंढने की कोशिश करने लगे। सुबह होते ही नदी के किनारे मृतक पड़ा हुआ था। वहीं परिजनों द्वारा हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सदर क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता आरके शर्मा की रिपोर्ट। एक्सपायर हुए हैं, आपके कौन लगते हैं? लड़का है हमारा। लड़का, ये जो संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, कैसे, क्या मामला है पूरा? अब नदी में वहाँ लोग दारू वारू पीते थे, वहीं वही पड़ा है, वहाँ सब सामान साइकिल पड़ा, उसका कपड़ा नदी किनारे निकाल के बहाया हुआ है, उसको वहाँ लगा घसीट के ले गए हुए हैं। हाँ, कब से लापता है? लापता तो 3 बजे गया यहाँ से कह के पैसा लेने के लिए, दारू वारू पीता था, लेकिन अब ये नहीं पता वो कब किसके साथ वहाँ चले गया, कैसे वहाँ चले गया। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? अब हमको लगता है हत्या है ही है, और अपने आप तो वहाँ मरा नहीं है वो। क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं इस मामले? अब इस पर क्या चाहते हैं, अब कानून अपना काम करे, कार्रवाई होनी चाहिए। आपने थाने पे तहरीर दी? थाने पे आपने तहरीर दी? अभी तो कुछ नहीं, वो सर बोले हैं रिपोर्ट आने के बताया जाएगा। आज उसका थाना क्षेत्र में एक लाश मिली है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, क्या मामला? थाना उसका बाजार में गांव कर्मा डीहा में के मोहित साहनी पुत्र पारस साहनी के आज नदी किनारे जो है मृत अवस्था में मिले हैं, और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है, आगे जैसा होगा उसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।